हे फ्रेंड्स, वेलकम टू टेली डिजिटल क्लास। दोस्तों, एक और बार मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे बीकॉम सेम 4 कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर 3 के बारे में। बीकॉम सेम 4 चैप्टर नंबर 3 कॉस्ट अकाउंटिंग। दोस्तों, इसके पहले मैं एक कई सारी वीडियो बना चुका हूँ बीकॉम सेम 4 के रिलेटेड। मैं वीडियो बना चुका हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग की, स्टेट और टैक्सेशन की वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर, उसके प्लेलिस्ट में जाकर, आप बीकॉम सेम 4 के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से अच्छी तरह से देख सकते हैं और समझ सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उसकी वीडियो की लिंक यहाँ पर ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, तो आपको ढूंढने में सरलता है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसके लिंक दे दूंगा। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आता बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। ये पर मैंने यहाँ पर एक सम लिया हुआ है, उसके बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। ये सम यहाँ पर कुछ आपको ये नज़र में आ रहा होगा, ये सिंपल सी एक सम है, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर शुरुआत, हमको ये शुरुआत का स्टॉक है उसको छोड़कर ही हमें उसकी सम गिनने की शुरुआत करनी है। तो मैं आपको यहाँ पर सिंपल सी एक, पहले तो बता देता हूँ कि सिंपल सी एक फॉर्मेट बनेगा। देखिए, चैप्टर नंबर 3 नाणा के हिसाब होने पड़तरन हिसाब होनी मिड़ौनी, ये चैप्टर का नाम है। पड़तरन पत्रक, आपको यहाँ पर एक स्टॉक कोष्टक बनाना है पड़तरन पत्रक करके, और उसमें विगत और रकम यहाँ पर ले लेनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सबसे फर्स्ट है। ये आप पूरे कोष्टक तो अच्छी तरह पढ़ लीजिए। ये यहाँ पर हमें दिया हुआ है पड़तर में पत्र माल संबंधी बढ़कर एकम डेट 26 लाख लेख है। तो देखिए, ये माल संबंधी पड़तर, सबसे पहले हमें स्टॉक की गणतरी करनी होती है कि हमारे पास कितना स्टॉक हमने बेचा, कितना स्टॉक हमारे पास है और कितना स्टॉक हमारे शुरुआत में था। तो इसको गिनने के लिए बेचन, जितना भी हमने बेचन किया है वो प्लस शुरुआत का स्टॉक माइनस आखिर का स्टॉक, मतलब 10,250 प्लस 500 माइनस 250। ये हम 10,250 प्लस 250 माइनस 500, शुरुआत वेचन प्लस शुरुआत नो प्लस आखिर नो स्टॉक माइनस शुरुआत नो स्टॉक, ये हम आपको ध्यान में रखना है। तो यह हमारे पर 10,000 टोटल आ जाएगा, और 10,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 से। ये 26 आपको माल संबंधी पड़तर, तो माल संबंधी पड़तर हम यहाँ पर लिखेंगे, माल संबंधी पड़तर 10,000 इंटू 26, तो हमारे यहाँ पर 2,60,000। इसके बाद प्लस मजूरी, मजूरी यहाँ पर हमें दी है एकम डेढ़ रुपया 15, ये मजूरी 10,000 हमारे पास स्टॉक था इंटू 15, तो ये 1,50,000 आ जाएगा। दोनों का हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगी यहाँ पर प्राथमिक पड़तर, और ये 4,10,000 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमें यहाँ पर दिया हुआ है, कारखाना ने परोक्ष खर्चा प्रत्यक्ष मजूरी ना 60% लेखे गणेल से। फिर से एक और बार, कारखाना ना परोक्ष खर्चा प्रत्यक्ष मजूरी ना 60% लेखे छे। तो कारखाना ना खर्चा प्रत्यक्ष मजूरी ना 60% लेखे छे। तो ये मजूरी यहाँ पर कितनी है, 1,50,000 इंटू 6 60%,
तो हमारे पास यहाँ न्यू वजह आ जाएगा। ये दोनों को हम 4,10,000 प्लस न्यू वजह, तो हमें यहाँ पर कारखाना पड़ता हमें यहाँ पर मिल जाएगी 5,00,000। इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमें यहाँ पर दिया हुआ है वही वटी खर्चा कारखाना पड़तरना 20% लेके गणेल छे। वही वटी खर्चा कारखाना पड़तरना 20% लेके गणेल छे। तो कार वही वटी खर्चा कारखाना खर्चा ना 20% लेके गणेल छे। तो कारखाना खर्चा हमारा ये यहाँ पर 5,00,000 था, तो 5,00,000 इंटू 20% तो हमारा यहाँ पर 1,00,000 आ जाएगा। कारखाना पड़तर के हमें यहाँ पर 20% गिनना है। ये कारखाना पड़तर, इसको हम ये 5,00,000 दी हुई है, इसको 20% हम यहाँ पर निकालेंगे तो 1,00,000 आ जाएगा। 5,00,000 प्लस 1,00,000 इज इक्वल टू 6,00,000। इसके बाद वेचन खर्चा एकम दीठ 6,00,000 गणल छे। वेचन खर्च, इसके पहले हमें तैयार माल का स्टॉक हमें यहाँ पर गिनना है। तो ये एक पॉइंट को मैं स्किप कर रहा हूँ, वेचन खर्चा एकम डिड 6,00,000, इसको मैं स्किप करके ये वाला ले लेता हूँ। एकम डिड 45 लेके शुरुआत में स्टॉक की कीमत एकम डिड 45 लेके, तो शुरुआत का स्टॉक हमें यहाँ पर 500 स्टॉक दिया हुआ है हमें शुरुआत का, और हमें यहाँ पर किया हुआ है 45 लेके। तो शुरुआत नो स्टॉक तैयार मान लो, शुरुआत नो स्टॉक 500 इंटू 45, तो ये हमें 22,500 इसे हमें प्लस करना है। और इसके बाद आता है तैयार मान लो आखिर स्टॉक। तैयार मान लो आखिर स्टॉक जितना हमारा उत्पादन हुआ है, उत्पादन पड़कर 6,00,000 इंटू उत्पादन, तैयार माल का स्टॉक हमारे यहाँ पर था 250 अपॉन कुल जितना उत्पादन हुआ था, मतलब उत्पादन के एकम कितने थे 10,000, तो 6,00,000 इंटू 250 अपॉन 10,000, तो ये 15,000 यहाँ पर आ जाएगा। इसको हमें 6,22,500 में से हम इसे माइनस करेंगे 15,000, तो नीचे आ जाएगा हमारा माल विचल मालनी उत्पादन पड़तर। विचल मालनी उत्पादन पड़तर 6,07,500। इसके बाद हमें जो हमने पॉइंट ए की स्किप कर दिया था उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। वेचन खर्चा एकम डिड 6,00,000 है, तो वेचन खर्च ये एकम डिड 6,00,000 है, तो टोटल हमारा वेचन कितना हुआ था 10,250। टोटल वेचन हमारा यहाँ पर हुआ था 10,250 इंटू 6, 250 10,250 इंटू 6, तो 61,500 ये हमें प्लस करना है। तो 6,07,500 प्लस 61,500, तो 6,69,000। इसके बाद टोटल वेचन, सबसे लास्ट में हमें यहाँ पर वेचन माइनस करना होता है। तो वेचन, टोटल वेचन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 7,17,500, इसको हमें यहाँ से माइनस कर देना है। तो ये हमारा कुल पड़तर मिली थी, उसमें से हमने यहाँ पर वेचन को इसे माइनस कर दी, तो हमारा ये नफो लास्ट में मिल गया 48,500। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था आपके लिए। नई नई वीडियो और नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।